शारिक भाई, आप एक एडवोकेट भी हैं और एक एनसीपी के कार्यकर्ता भी हैं। आज आपने जिस तरह से बैठक बुलाई है, पत्रकार परिषद रखी है, क्या एक एनसीपी के लीडर होने की वजह एडवाइजर के तौर पे बुलाया है या एक एडवोकेट होने के तौर पे बुलाया है? एक मुमरा का रहीवासी होने के तौर पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मुमरा का होने की वजह से और बीइंग अ मुस्लिम मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कोई भी पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं है मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने के लिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि कल जो राज साहब ठाकरे ने कलवा में अपनी सभा के दौरान जो अंतिम 3 मिनट थे उसमें उन्होंने बता दिया कि उनका माइंडसेट क्या है, वो दिल्ली क्यों जाते हैं, ये चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी। अंतिम 3 मिनट में उन्होंने मुमरा के बारे में कहते हुए कहा है कि सिमी के 6 अरेस्टेड फ्रॉम मुमरा, हिजबुल के 4 अरेस्टेड, ऐसे करके बहुत सारी उन्होंने लिस्ट बताई। तो जिसका काउंटर मैं देना चाहता हूं आप लोगों को कि जो सिमी के 6 अरेस्टेड थे मुमरा से, उसमें बहुत सारे 122 एक्यूज अरेस्ट थे। द एक्यूज बिलोंग टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गुजरात एज वेल एज फ्रॉम तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। मुमरा होने की वजह से, एक मुस्लिम गेट्टो होने की वजह से मुमरा को पर्सनल टारगेट करके राज साहब ने इसके पहले 2-3 बार भी और ये चीज़ कर चुके हैं, लेकिन उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि एक बड़े नेता हैं, उनको एक मान सम्मान दिया जाता है इसलिए। लेकिन मुस्लिम तबका किसी की सहायता नहीं है और ये पॉलिटिकल टाइम पे आप ये ऐसा स्टंट करेंगे तो लोग एक्सेप्ट कैसे करेंगे बीजेपी को? और पीछे बैठे हैं हमारे श्रीकांत जी शिंदे साहब, उनकी छवि क्या जाएगी मुमरा के लोगों के प्रति? और ये उन्होंने हवाला दिया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का, ये दिखा दीजिए आप अपने व्यूवर्स को, ये मैं पढ़ के सुनाऊंगा पूरा आपको। इस पे उन्होंने कहा था कि मुमरा कितना खराब शहर है और यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी किस तरीके से होती है, ये टाटा इंस्टीट्यूट के सोशल साइंस के रिपोर्ट ने बता रहा है। तो मैं ये पढ़ रहा हूँ, अ स्टेटस रिपोर्ट ऑन मुमरा बाय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मेंशन दैट द पॉपुलेशन ऑफ मुमरा इंक्रीज्ड इन द लास्ट 3 decades ड्यू टू द राइट्स इन भिवंडी विच टुक प्लेस ऑन 1984 फॉलोड बाय द राइट्स ऑफ मुंबई इन द 1992। ये बता रहे हैं कि 1992 में जो बॉम्बे में राइट्स हुए और जो भिवंडी में 1984 को राइट्स हुए, उस राइट्स के बाद जो लोग माइग्रेट हुए हैं वहाँ से वो मुमरा में रहने के लिए लोग आए। उसके बाद द रिपोर्ट स्टेट्स नाना भगत द सरपंच ऑफ मुमरा गांव ड्यूरिंग द 1970s वॉज नोन फॉर द एस्टुडेंस एंड सेक्युलर आउटलुक। आप सभी जानते हैं मुमरा देवी पे नाना थे, उन्होंने सबका यहाँ पे स्वागत किया। नॉट ओनली डिड अ प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर क्लासेस, कास्ट एंड क्रीड, बट ऑल्सो नरेटेड द वैल्यू ऑफ द पीसफुल लिविंग अमंग्स द रेसिडेंट ऑफ मुमरा कौसा। उन्होंने सबको नरिश किया, यहाँ पे संभाला, देखभाल किया, उनको रखा रुकाया। द रेसिडेंट ऑफ मुमरा कौसा टेक प्राइड इन नॉट हैविंग एक्सपीरियंस कम्युनल राइट्स इवन आफ्टर बॉम्बे बर्न। बम्बई जलता रहा 92 के फसाद में, उसके बाद भी मुमरा लोग प्राइड करते हैं, मुमरा कर प्राइड करता है कि मुमरा में कभी भी कम्युनल दंगे नहीं हुए। ये जो हिंदू मुस्लिम की जो पीस है यहाँ पर जो मुमरा में, वो इतने सालों से इस्टेब्लिश है और मुमरा में आज तक एक भी राइट्स नहीं हुआ है। ये जो इंस्टीट्यूट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिनका ये सोशल स्टडी साइंस का उन्होंने रेफरेंस लिया है, यानी कि रिपोर्ट में कुछ और है, रिपोर्ट में कुछ और है, वो कोर्ट कुछ और कर रहे हैं। ये रिपोर्ट की कॉपी मैं आप लोग को सप्लाई कर देता हूँ। हमारे साथ देव साहब भी हैं जो यहाँ, क्या कानूनी कार्रवाई करने वाले हो? कानूनी देखिए, पॉलिटिक अभी इलेक्शन का टाइम चालू है, उनको फेम की जरूरत नहीं है। उनको जो शुरू में आपने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था सीमी के कनेक्शन से, आतंकवादी ग्रुप के कनेक्शन, उन पे अब तक साबित हुआ है? एक गुना जो है वो डिसाइडेड है, लेकिन उसमें सबको एक्विटल दिया गया है। 122 आरोपी थे, गुजरात कोर्ट एक्विटेड 122 persons charged अंडर UAPA accused of being सीमीज member। ये 2001 के जो जिक्र कर रहे हैं वो डिसाइडेड मैटर है, उसमें 122 लोगों को 30 साल बाद बेगुनाह साबित किया गया।
अब ये 122 में से एक ऐसा आरोपी है, आरोपी था, अभी तो आरोपी नहीं बोल सकते उनको, आरोपी था जिसने जेल में रहते हुए बुक लिखी कि बेगुनाह कैदी किस तरीके से होते हैं, बेगुनाह कैदी कैसे होते हैं, इसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी। ये अपनी जिंदगी का 30 साल जेल को दे देना, अब जिंदगी में बचा क्या है? आदमी 15, 18, 20 साल, 25 साल का था जब उसको अरेस्ट किया, और जब वो रिलीज होता है, जब बेगुनाह वो साबित होता है, तो उसकी उम्र होती है 60 साल, 65 साल। अब वो अपने बीवी बच्चों के लिए क्या कर सकता है, अपने माँ के लिए क्या किया, उसने अपनी जिंदगी पूरी गवा दी। और ऐसे ही ये सारे केसेस चल रहे हैं। देखिए, जो भी अगर आरोपी है जिसने स्टेट के, नेशन के अगेंस्ट में कोई काम किया है, कोई भी उसका सपोर्ट नहीं करेगा, न मुसलमान सपोर्ट करेगा, न हिंदू, न क्रिश्चियन, कोई भी उसका सपोर्ट नहीं करेगा। अगर वो आतंकवादी है, उसको सख्त से सख्त सजा दो। कसाब के बारे में कोई आया, आपका कहना है कि जो यहाँ से पकड़े गए उनके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन जो बेगुनाह साबित हुए उनके बारे में नहीं बताया जा रहा है। ये बात तो है आपकी, लेकिन पर्टिकुलरली मुमरा के ही क्यों बताया जा रहा है? मुमरा की पीस को क्यों खराब किया जा रहा है? क्या थाना में नहीं थे? क्या थाना में माजीवाड़ा पे 30 करोड़ का यूरेनियम नहीं मिला था? क्या वही आरोपी को 3 महीने के अंदर हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया FIR की बोल के ये नहीं, सचिन वाजे का भी केस सामने आया, ये दूसरा मैटर है। तुम मत बताना, उनको बोलने दे। वो क्या बोलते हैं उसमें, यूरेनियम लो बदले में 30 करोड़ रुपए का सोना लो, ऐसे करके न्यूज को मैं आपको वो देता हूँ लिंक, कौन सी न्यूज है। 3 महीने के अंदर कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी किया, उसको बेल भी दिया और उसका केस भी खत्म किया है। तो इस तरीके जो ट्रायल होते हैं वो पुलिस पे संदेह करते हैं, ATS पे संदेह करते हैं, लेकिन आपस में जो हम सोसाइटी में रहते हैं वो एक दूसरे को शक की निगाह से नहीं देख सकते। आगे किस तरह का लीगल एक्शन आप उठाने वाले हैं? लीगल एक्शन मैं कुछ नहीं लेने वाला उनके खिलाफ, मैं सिर्फ ये अवेयरनेस के लिए आया हूँ इसमें कि कलवा और मुमरा पड़ोस है और दोनों पड़ोस ने एक दूसरे का हमेशा से ख्याल रखा है, तो इस बार वोटिंग है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं तो ये उनके लिए सही बात नहीं है। तो अभी उनको क्या है कि पीस और ट्रैंक्विलिटी प्लीज बना के रखिए, और मुमरा कलवा का रिलेशन बहुत अच्छा है। अवेयरनेस की आप बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की आप बात कर रहे हैं, ये तो रीत हो गई है। कोई भी आता है खास तौर से एक कम्युनिटी के खिलाफ कुछ भी बोल के निकल जाता है, सोशल मीडिया पर पूरा फैला भी होता है वो, लेकिन कोई इस पर एक्शन नहीं होता। लीगल आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो मतलब आप भी कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं? कैसा है, जो जो उन्होंने कहा है एक्चुअल में वो चीजें सही है कि ये चीजें हुई हैं, लेकिन उसका आउटकम नहीं आया है अभी तक, या जिसका आउटकम आया है वो निगेटिव आउटकम आया है, वो आरोपी सिद्ध नहीं हुए हैं। तो ये चीजें माशरे को बता के, अवेयरनेस ला के लोगों में गलत चीजों का, लोगों के बीच में डर पैदा किया जा रहा है, लोगों के रिलेशन खराब किए जा रहे हैं, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। वो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, ये जो एक्ट है, ये जो चीजें है, ये हुई है, अरेस्ट हुए हैं यहाँ से लोग, ऐसा नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ यहाँ से हुए हैं क्या लोग अरेस्ट? पूरे इंडिया में आप मुमरा की बात करते हैं, कलवा में आप आए हैं, आपको माजीवाड़ा के मैटर नहीं दिखते, आपको मीरा रोड मीरा भयंदर के मैटर नहीं दिखते, आपको भिवंडी के मैटर नहीं दिखते, आपको सिर्फ मुमरा को क्यों पर्सनल टारगेट करना है? क्योंकि मुमरा इज द लार्जेस्ट गेटो इन इंडिया ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम की सबसे बड़ी आबादी एक साथ इसी मुमरा में रहती है। देव साहब आप क्या बताएंगे, इस तरह से पूरा मामला आता है और मुमरा शहर में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय भी काफी संख्या में है, तो क्या बताना चाहेंगे आप इस पूरे मामले? बिल्कुल है, हिंदू समुदाय यहाँ पे लगभग 12% के आसपास होगा, सिर्फ यहाँ मुसलमान ही नहीं रहते। तो इस तरीके से हमारे मुमरा को जो बदनाम किया जा रहा है, ये गलत बात है, ऐसी बदनामी उनको करनी नहीं चाहिए। आज मैं 2 साल का था जब से मुमरा में रहता हूँ। राजनेताओं की जो इस तरह की टिप्पणियाँ आती हैं उसको लेकर, वही टिप्पणियाँ बता रहा हूँ, मुमरा का माहौल बहुत ही पीसफुल है, यहाँ कभी दंगे नहीं हुए, लेकिन ये कोई भी नेता आता है कुछ भी बोल के चला जाता है। मुमरा को टारगेट क्यों किया जाता है? यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, हिंदूज भी रहते हैं, और हमारा यहाँ पे भाईचारा इतना अच्छा है, आज तक ऐसी कोई हमको ये सुनने नहीं मिला। आज मुझे पता है, मैं मेरी अम्मी अगर कोई सामान भी लेके जा रही है घर, हाथ में थैला है बड़ा, तो वहाँ मुस्लिम बच्चे खड़े रहते हैं, वो ले जाके छोड़ देते हैं मेरी अम्मी को घर पे। मैं हूँ नहीं हूँ, मेरे को कोई फिक्र नहीं है। तो मुमरा ऐसा है, तो मुमरा को प्लीज़ मैं बड़े बड़े नेताओं से इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरीके से बदनाम ना किया।
एक वक्त था जब वो इस एनडीए में शामिल नहीं थे और 2019 के उनके भाषण लेंगे तो वो एक तरह से सपोर्ट करते थे मुसलमानों को, लेकिन अब वो एक इलेक्शन की जो रैली है उसमें इस तरह का भाषण कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से राज ठाकरे को मुमरा शहर के लेके क्या मैसेज रहेगा कि क्या क्या मुमरा शहर में है जो आप उनको दिखाना चाहेंगे ताकि वो ये भी लोगों को बताएं? नहीं, मेरा कहना इतना ही है, अगर मुमरा की आप सिर्फ बुराई दिखाते रहोगे तो कैसे चलेगा। मुमरा में जितनी अच्छाइयां हैं वो भी कभी आके देखो। आज मुमरा में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी, हिंदुस्तान या वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की कुदरती विपदा आती है तो सबसे ज़्यादा रिलीफ जो है मुमरा से जाता है। एक दूसरा, जब कोविड आया, कोविड के वक्त जब हिंदुओं की लाशें ना पानी में बह रही थी, यूपी ले लो, हमारे महाराष्ट्र में तो हमारा चीफ मिनिस्टर इतना अच्छा था कि हमको तो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन गैस भी कम नहीं पड़ने दिया। पूरे हिंदुस्तान में गैस की कितनी किल्लत हो गई थी उस वक्त। उस वक्त यही मुसलमान थे, इन्होंने ही, जो हिंदू के भी अगर कोई डेथ हो जाती थी घर में तो उनके बच्चे उसको हाथ नहीं लगा रहे थे, लेकिन ये मुस्लिम लोग ही थे जो उस वक्त उनको क्या बोलते हैं उसको वैकुंठ धाम तक पहुँचा रहे थे। तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं बताते हो? सिर्फ बुराइयाँ मुमरा में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आतंकवादी है ये। अरे अच्छे काम हमारे यहाँ कितने होते हैं वो भी तो देखो।